हाँ हेलो। हाँ जैन सर। हाँ ए मीम जैन जैन मेरे भाई, कैसा है? हाँ बढ़िया सर, बढ़िया अच्छा ओके। मीम सब जी। लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप जहां पे हैं, जो आपने अपने आप को काट के बनाया है, जो आदमी आप हो वो लोग जानना चाहते हैं। और आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, टीम क्लॉक के आप पहले सदस्य हैं। और हमने जब ये जर्नी स्टार्ट की थी तो आप ही के साथ ये सब शुरू हुआ था। तो मैं ओके गाइस, मैं मीन बहादुर को के बारे में जो मैं जानता हूं मैं आपको बताऊंगा, और वहां से फिर हम यू नो वी टेक ऑन क्वेश्चंस एंड हम बात करेंगे, क्या कहते हैं, फिर हम मीन से बात करेंगे, आप लोग सवाल वगैरह पूछ सकते हैं और मैं मीन को गाइड करूंगा। ठीक है, तो मीन बहादुर से मैं मिला था कई साल पहले, लगभग 2012 की बात है, मैं मीन बहादुर से मिला था। और मैं मीन बहादुर का टीम कमांडर था। तो उस टाइम पे मैं मीन बहादुर को नहीं जानता था, बहुत सारे लोग थे और मीन बहादुर मेरी टीम में बहुत सारे लोग थे और मीन बहादुर उनमें से एक थे मेरी टीम में। मेरे को ये पता था कि सब के सब तगड़े हैं, ठीक है, पर हर एक आदमी की पहचान कि वो कौन है क्या है वो तो ग्राउंड पे ही पता लगता है और देख के पता लगता है। तो मैंने जो देखा मीन बहादुर का वो मैं आपको बताता हूं। हमारे जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे, है ना, पल्टन में ट्रेनिंग चलती है और स्पोर्ट्स और गेम्स होते हैं, कंपटीशन होते हैं, बहुत सारी चीजें होते हैं, है ना। एक पल्टन रेडी हालत में रहने के लिए, लड़ाई के लिए परमानेंट 24 घंटे सालों साल रेडी रहने के लिए ट्रेनिंग करते रहती है। ऐसा नहीं है कि यू नो हर रोज कोई ऑपरेशन ही चल रहा होता है, ट्रेनिंग करते हैं और साथ में बहुत सारी चीजें और भी एक्टिविटीज होती हैं, जिनमें से एक चीज होती है कॉम्पिटिशन्स। तो पहली बार मैंने मीन बहादुर को ग्राउंड पे कॉम्पिटिशन में देखा था। मीन बहादुर पूरी 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 पल्टन का बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स चल रहा था, बहुत ही भयंकर कोर्स होता है, बहुत ही खतरनाक कोर्स होता है, कई लोग चोट खाते हैं, कई लोग उसमें यू नो कई बार इतना चोट खा जाते हैं कि लोग अपाहिज भी हो जाते हैं उसमें, ठीक है। और बहुत ही मतलब बॉडी का जूस निकालने वाला चीज होता है बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स, ठीक है। तो बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स का कॉम्पिटिशन चल रहा था और मैं देख रहा था, मेरी टीम भी कॉम्पीट कर रही थी, मेरी टीम में मीन बहादुर हमारा उस टीम का लीडर था। और ये कंपटीशन शुरू हुआ, लगभग काफी लंबा किलोमीटर्स का स्ट्रेच होता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऑब्स्टिकल आता है और उसमें पिट्ठू लगा होता है, हथियार होता है साथ में, और पूरी ट्रेनिंग चलती है, ठीक है। काफी देखने में बहुत ही भयानक होता है। तो जब ट्रेनिंग चल रही थी, जब ये कंपटीशन लॉन्च हो गया, गो हो गया, स्टार्ट हो गया कंपटीशन, तो पूरी की पूरी टीम्स भाग रही थी और एक के बाद एक ऑब्स्टिकल कवर करते करते जा रही थी। तो मैं आखिरी वाला स्ट्रेच देख रहा था और उसमें मेरे को मीन बहादुर नजर आया हुआ, सबसे आगे पूरी बटालियन को लीड करता हुआ, सबसे आगे, और दूसरा बंदे को मतलब बहुत पीछे छूट रखा था, अकेला रखा था सबसे आगे। और भागते 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 वो सेकंड लास्ट ऑब्स्टिकल पे पहुंचा था और सेकंड लास्ट ऑब्स्टिकल कर रहा था, उसका हाथ फिसल गया, वो गिरा, वापस गया, उसने पूरा ऑब्स्टिकल दोबारा किया, पर उस दौरान उसके पीछे एक और, जैसे मैंने बोला सारे के सारे ही स्टड होते हैं, तो उसके पीछे एक और बंदा जो पास था वो बंदा आगे निकल गया और लास्ट में वो बंदा फर्स्ट आ गया, मीन बहादुर सेकंड हो गया। पर अगर मीन बहादुर का उस दिन हाथ नहीं फिसला होता तो मीन बहादुर ने उस दिन शायद रिकॉर्ड तोड़ दिया था उस कोर्स का। तो यहां मैंने पहली बार मीन बहादुर का जो इंड्योरेंस है, जो स्पीड है उसकी बॉडी के अंदर, जो टेक्निक है उसकी बॉडी के अंदर, है ना, जो उसने खुद काट के बनाई है और जो भगवान ने उसको दिया है, वो चीज पूरी पूरी जो लोग देख रहे थे उनको सामने सामने दिख गया था। और जो भी है ऐसा हुआ। 2 दिन बाद मुझे पता लगा कि दो दिन बाद मुझे पता लगा कि मीन बहादुर को बॉडी के अंदर काफी बीमारी हो रखी थी उनको, और ये चीज उन्होंने किसी को नहीं बताया था। 1 महीने से उनको ब्लीडिंग चल रही थी, कहा नहीं, और उसी हालत में वो भागे और उसी हालत में वो रिकॉर्ड भी तोड़।
उड़ने वाला था, ठीक है। ये मेरा मीन बहादुर का के साथ पहला मिलाप था, जब मैंने मीन बहादुर को देखा था ग्राउंड पे। उसके बाद मुझे मेरी नजर पड़ गई और मैं देखता रहा उनको, उनके पूरे जो भी काम मीन बहादुर को दिया जाता था, जो भी काम, आप कोई भी काम, दुनिया का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपने बच्चों का हाथ इस आदमी के हाथ में दे सकते हो। और ये मतलब इसने अगर मीन बहादुर आपके साथ चल रहा है और आपका हाथ उसके हाथ में है, आप दोनों साथ हो, तो मतलब भगवान है, मतलब साथ चल रहा है, वैसा है, ठीक है ना। तो मीन बहादुर का जब मैंने पूरा रिकॉर्ड वगैरह पढ़ा और देखा सारा, तो क्या कहते हैं, मीन बहादुर कई सारी चीजों में माहिर था। इज अ मिलिट्री कॉम्बैट फ्री फॉलर। जो मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, मेरी आवाज आ रही है आपकी आ रही है मुझे, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। ओके, अब आ गया सर आपका। ओके राइट, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। क्या कहते हैं, मीन बहादुर इज अ टॉप लेवल मिलिट्री माउंटेनियर, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल जो होता है, दुनिया का अव्वल श्रेष्ठ नंबर पे माउंटेनियरिंग स्कूल माना जाता है, मिलिट्री माउंटेनियरिंग स्कूल है ना। और उस मिलिट्री माउंटेनियरिंग स्कूल में मीन बहादुर ने इंड्योरेंस के रिकॉर्ड सेट किए, सब दुनिया के सबसे टफेस्ट माउंटेनियरिंग स्कूल में से है। और उसमें मीन बहादुर ने मतलब हर चीज में सर्टिफिकेट उठाया है, हर चीज में वो लगभग मान लो हर चीज, हर ट्रेनिंग में वो फर्स्ट ही आए हैं, ठीक है। और पूरा जो ईस्टर्न कमांड होती है हमारी फौज की, उसका एडवेंचर कप होता है, उसमें मीन बहादुर ने दो इंड्योरेंस इवेंट में गोल्ड मेडल भी लिया है। तो मीन बहादुर फिजिकली और इंड्योरेंस में ऐसा आदमी है। तो मैं आपको बताता हूं कि मीन बहादुर की सबसे प्यारी चीज या सबसे जो उसकी क्वालिटी जो है उसके बारे में बताता हूं, जो मैंने देखा और वो इंसिडेंट के मैं आपको बताता हूं। मीन बहादुर में पहली चीज तो है, कोई भी चीज सीखने की बहुत जिज्ञासा है वो, कभी अपने आप को ये नहीं सोचता कि अच्छा मुझे ये कोई लैंग्वेज ठीक से बोलनी नहीं आती, या ये कंप्यूटर या ये वो सारी चीजें क्या है। वो कोई भी चीज आप अगर उसको अपने काम में जरूरत है, अगर उसको काम में किसी स्किल की जरूरत है, वो स्किल वो खुद ही जाके, जो भी चीज जरूरत है, पैसे की जरूरत है या अपने मेहनत की जरूरत है या जो भी जरूरत है, वो चीज वो ग्राउंड पे डालता है और वो स्किल उठा के अपना बना लेता है। जैसे मेरा तो पहली चीज है, जब मीन बहादुर 17 साल स्पेशल फोर्सेस में, आर्मी स्पेशल फोर्सेस में काम करने के बाद जब वापस आया घर, बाय द वे मीन बहादुर की पूरी 17 साल उसने फील्ड में काटी है, पूरी की पूरी नौकरी उसकी फील्ड में है। बीच में ये कंपटीशन के लिए जाके लड़ता था, बाकी पूरा टाइम इसने ऑपरेशन में निकाले, ठीक है।